दोस्तों नमस्कार। आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। 6 बज गए हैं, उठ गए हैं, चलते हैं अपने काम पे। फिर भाइयों तेज़ धूप हो जाती है तो जल्दी जल्दी अपना काम निपटा के आते हैं। दोस्तों अब जो है खेत में आ गए हैं और पीछे पुनीत भाई ट्रैक्टर लेके आए हैं, उसके पीछे हम इसे टीलर को लेकर आए थे। ये सोनू भाई का है, होंडा 840 मॉडल नंबर है इसका। देख सकते हैं बहुत ही शानदार है, पेट्रोल से चलता है ये। अब जो है इसकी बड़ा जो खेत है परली तरफ गेहूं वाला, उसमें जो एक खुड़ निकाल लेंगे, देखेंगे किस तरह का काम करेगा। दोस्तों दोस्तों खेत में आ गया है इस तरफ और आप देख लो गेहूं का जो गन्ना है काफ़ी ऊंचाई ले रहा है, काफ़ी बढ़िया हो रहा, लेकिन घास ज़्यादा हो गई थी। और हम पावर स्प्रे, वो पावर टीलर जो ला रहे थे जिस कंपनी का, वो डेनमार्क से आना था, लेकिन वो आने में बहुत लेट हो गया, पैसे भी गए हुए थे। पर चलो कोई बात नहीं, जो नुकसान होना है होगा। अब इसमें जुताई कर देंगे, स्प्रे भी हमने कर दी थी और पावर टीलर से जुताई होगी, उसके बाद में हम इसे झोटे से ही जो है अपना कामयाब कर लेंगे। लेकिन गन्ना जो है जैसे घास लग रही थी, घास पर दबा नहीं गन्ना, तो खेत में दम था इसलिए नहीं दबा। देखो चलिए जैसा बीज चलते बोया हैं ना एक वैसे बार। हुआ, आधे से ऊपर का बीज बोया है, सबसे टॉप चल रहा है, जो तसला दीदी का बोया वो उधर डाउन है। वो डाउन है, ये एकदम से ऊपर का भाई, दो दो आँख का, वो आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था। एक बार स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो पुनीत भाई जुताई कर रहे हैं इससे, ये होंडा का है 840। अच्छा अभी बदलवा, आगे को तो लाओ, बहुत बढ़िया। दोस्तों देखो कितना बढ़िया वाहन कर रहा तू भाई, मैं बहुत बढ़िया। दोस्तों देखो कितना बढ़िया काम कर रहा, दूसरी बार के मैं तो बहुत ही शानदार भान बना रहा, ये देख लो, क्योंकि खेत में घास काफी बड़ी बड़ी हो गई थी। ये जुताई भाइयों इसकी 1 महीना पहले होनी थी, इसमें स्प्रे नहीं करना था दवाई का, क्योंकि दवाई में जो है कुछ घास मर गई, कुछ बिल्कुल रहेगी। अभी देख सकते हैं बहुत ही शानदार काम कर रहा। दोस्तों देखो पुनीत भाई जो है अब वहां पे इसे चला रहे हैं, परली तरफ से क्यारा जुत के आ गया और इधर जो है 2 क्यारे रहेगी, 1 क्यारा जुत गया पूरा। और भाई ज़्यादा घास का नहीं है ये, बिल्कुल भी ज़्यादा घास हो गई थी, हमने ज़्यादा पाल लिया स्प्रे कर पावर, उसके चक्कर में हमारे जो है दूसरी कंपनी का वो आ रहा था ट्रैक्टर के पीछे, जो 3 रो वीडर होता है, 2 वाला आ रहा था 42 इंच का। फिर उन्होंने लास्ट में ये कह दिया कि जी अभी 15 दिन लगेंगे बढ़ने में। मगर भाई फिर क्या, उसका दूध काट देंगे हम जब सीजन ही निकल जाएगा। तो दोस्तों कभी किसी पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, अपने काम जो है अपने दम पर करना चाहिए, नहीं तो हमारे खेत का देखो जैसा नाश हो गया था। घास की स्प्रे भी करी थी, इससे काफ़ी दबाऊ घास दब गई, लेकिन दोबारा से फिर घास हो गया, क्योंकि घास जो है ना बारिश को देखते ही एकदम उग के आता है। खैर हम तो कर लेंगे, हमें तो आदत है संघर्ष करने की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोस्तों धूप जो है काफ़ी तेज़ हो रही है, लेकिन लगे हुए हैं किसान खेत में और हम भी पावर वीडर से जुताई कर रहे हैं। पावर टीलर जो होता है वो पेट्रोल वाला, वो देख सकते हैं पुनीत भाई आ रहे हैं। अब मैं चलाऊंगा थोड़ी देर के लिए, वो आराम कर लेंगे। वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, लाइक शेयर करें। नमस्कार।